अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि फ़ेसबुक और ट्विटर के ऊपर अकाउंट वेरीफाई कैसे हो सकता है, तो जो मेरी मालूमात है मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ेसबुक के ऊपर अकाउंट आप कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 4-5 मेन शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि आपका अकाउंट ऑथेंटिक हो। इसका मतलब ये है जब आप वेरीफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जीमेल, याहू या हॉटमेल का ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलते हैं कि आपका बिज़नेस है gulahmad.com या कुछ भी डॉलेंस या कोई भी है, बैंक अलबरका है, कोई भी है, तो उसी का ही वेबसाइट हो और उसी के ऊपर आपका ईमेल एड्रेस भी हो, आपका कोई स्टार्टअप हो तो भी चल जाएगा। आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या अमेरिका में, आपके पास आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट हो सकता है, नादरा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, लेकिन जो भी हो अंग्रेज़ी के अंदर हो। अगर उर्दू में किसी और ज़ुबान के अंदर हो तो फेसबुक को वेरीफाई करने में मुश्किल पेश आएगी, वो वेरीफाई नहीं कर सकेगा। तो पहला क्राइटेरिया तो है कि ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक मीन्स जो आप कह रहे हैं वही आप हैं, और वो आप साबित करेंगे अपने आईडी से, अपने पासपोर्ट से, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की एलएलसी के डॉक्यूमेंट से, या जो इनकॉर्पोरेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सीसीपी के आते हैं या एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ये ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट आपका कवर हो जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप न्यूज़ वर्दी हों। न्यूज़ वर्दी का मतलब ये हो कि या तो आपके नाम से कोई हैशटैग चला हो, या न्यूज़ वेबसाइट ने आपको मेंशन किया हो, कोई सीएनएन पे इंटरव्यू आया हो, कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल पर आया हो, कोई डॉन पर आया हो, आपका विकीपीडिया का पेज हो, लोग आपसे मुतालिक बात कर रहे हो। अगर कोई आपसे मुतालिक बात नहीं कर रहा, आपके लिए कोई न्यूज़ नहीं आई, आप टॉक ऑफ द टाउन नहीं है, तो ज़रा बात है आपके पास वो सेलिब्रिटी का स्टेटस नहीं है जिसको आप क्लेम कर सकें। तो पहली चीज़ हो गई ऑथेंटिसिटी, दूसरी चीज़ है न्यूज़ वर्दी, तीसरी चीज़ है कि आप एक्टिव हों। तो फेसबुक अकाउंट के ऊपर आप पिछले 6 महीने से कम एक्टिव हों, आप पोस्ट करते हो, लोग उसमें इंगेज करते हो, लोग आपको फॉलो करते हो, आपने कोई ऐसी पोस्ट ना की हो जो पिछले 6 महीनों में फेसबुक के पॉलिसीज़ या रूल्स के मुनाफी हो, कोई ऐसी तस्वीर शेयर ना की हो, कोई रेसिज्म का कमेंट ना पास किया हो, किसी को गालियाँ ना दी हो, किसी से प्रोफाइल के ऊपर जाके हरासमेंट ना की हो। फेसबुक इन तमाम चीज़ों को चेक करता है। तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आप न्यूज़ वर्दी हों और आप नोटेबल हों। नोटेबल का मतलब ये है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, लेकिन उसको बैक करने के लिए कोई इंटरनेट के ऊपर कोई क्लेम मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो स्पोर्ट्स रडार पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर आप कंपनी है तो SEC में, DNB के अंदर, FBR के अंदर, टैक्स रेगुलेशंस के अंदर, जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उसके अंदर आपका नाम शामिल होना चाहिए, कोई भी आपको सर्च कर सके कंपनी प्रोफाइल्स के अंदर। अगर आप बोलते हैं कि आप एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या प्रोड्यूसर हैं तो IMDB के ऊपर आपका होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स रडार है, इस तरह की क्रिक इन्फो है, मेन वेबसाइट्स के ऊपर आप हों। तो पहली चीज़ ऑथेंटिसिटी, जिसमें आपने आईडी देनी है, कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दूसरी चीज़ न्यूज़ वर्दी, आपसे मुतालिक न्यूज़ आई हुई हो। तीसरी चीज़ आपके पास कि आपकी अकाउंट एक्टिव हो और आपने रूल्स की कोई मुनाफी बात ना की हो। और चौथी चीज़ कि आप नोटेबल हों। इसके अलावा एक चीज़ जो फेसबुक और ट्विटर देखते हैं, उसको मून मेंशन नहीं करते, वो ये देखते हैं कि आपके फॉलोवर्स कहाँ से और आपकी इंगेजमेंट कहाँ से हो रही है, और वो मैक्सिमम फॉलोवर्स और इंगेजमेंट उसी लोकेशन पे होनी चाहिए जिस लोकेशन पे आप एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका स्टोर है कराची के अंदर और फॉलोवर्स आपके आ रहे हो सारे चाइना से, आप मिठाई बेच रहे हो लाहौर के अंदर और फॉलोवर्स आपके आ रहे हो कोरिया से, आप US के अंदर एक ब्रांड है और आपके सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं वो लाड़काना में, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस जगह पे आप क्लेम कर रहे हैं आप हैं, आपके फॉलोवर्स, इंगेजमेंट, ट्वीट्स उसी जगह से होने चाहिए। फेसबुक ने एक छोटा सा लर्निंग का कोर्स बनाया हुआ है कि अकाउंट कैसे वेरीफाई हो सकता है। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, इंटरटेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको ब्लू पेज मिलता है। अगर आप एक ब्रांड है और फेसबुक उसको वेरीफाई कर सके कि ब्रांड आपकी है, तो आपको ग्रे पेज मिलता है। अब ये पेज वेरीफिकेशन का, ब्लू पेज कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसका लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। फेसबुक का एक छोटा सा कोर्स है जहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ और फ़ायदेमंद लिंक्स हैं जिनसे पढ़ने के बाद आपको इसका क्लियर पता चल जाएगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से लोग क्लेम करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती हैं और बताती आपको कुछ नहीं है। इसके थ्रू अप्लाई कीजिए, अगर आपका हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आप इन तमाम क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। अगर आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे तो प्लीज़ अप्लाई ना कीजिएगा, अदरवाइज़ होगा ये कि बहुत से लोग अप्लाई कर देंगे, क्राइटेरिया मीट नहीं होगा और सबकी वो फॉल्स रिजेक्शन आएगी, तो मुल्क का नाम भी ख़राब होता है और फिर आप 6 महीने बाद वापस अप्लाई कर सकें, उससे पहले वापस अप्लाई कर नहीं सकते। तो वेट करें, इन तमाम क्राइटेरिया पे आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।